वंदे है। और कहाँ पे गए थे आप अभी? किलिमंजारो। और किलिमंजारो और मेरू माउंट। अच्छा, वहाँ पे आपने कितने दिन में चढ़ाई की और क्या किया? 39,000 में मैंने चढ़ाई करी। ओके, आपको डर नहीं लगा वहाँ जाने में? नहीं। तो और क्या क्या आपको अच्छा लगा वहाँ, क्या क्या मुश्किलें आई? बस खाई थी मुश्किल। अच्छा, खाई थी साइडों में, आपको डर नहीं लगा खाई से? नहीं। और ठंड भी थी वहाँ पे, ठंड से भी डर नहीं लगा? थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा डर। और रात को चले आप पूरी रात, उससे डर नहीं लगा रात को चलने से? नहीं, नींद नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई थी। अच्छा, फिर भी आपने पहुँच के वहाँ पे देश का झंडा लगा दिया। कितने साल की हो भी आप? 6 साल की हूँ जी। सत श्रीकाल सभी को जी। ये कुलवंत सिंह सिद्धू जी ने पहले भी बेटी को जाने से पहले आशीर्वाद दिया था और आने के बाद भी बेटी को आशीर्वाद दिया है जी। हम किलिमंजारो पर्वत पे गए थे साउथ अफ्रीका तंजानिया में, जहाँ पे बेटी ने किलिमंजारो पर्वत और वहाँ पे माउंट मेरू पर्वत को पे बेटी ने 1 वीक में जाके देश का तिरंगा लहराया है। किलिमंजारो पर्वत और मेरू माउंट की जो किलिमंजारो पर्वत की जो हाइट है 19,000 फीट से ऊंची है और जो माउंट मेरू पर्वत की ऊंचाई है वो 15,000 फीट है। उस पर मात्र बेटी ने 39 घंटे में पहुंचकर विश्व का एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक किसी भी प्लेयर के नाम नहीं है। और बेटी ने दोनों पर्वत को एक बार में 1 वीक में ही चढ़ने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। क्रिकेट का नाम सीना चोपड़ा जी, इसकी उम्र अभी 6.5 साल की बेटी है ये। और इसने दो पर्वत को वो उनकी जो किलोमीटर बनता है 50 किलोमीटर के आसपास बन जाता है, जैसे कि जो उसकी मीटर में जो लंबाई है वो 5800 कुछ मीटर है और जो दूसरा पर्वत है उसकी 4500 मीटर की लंबाई है। इसमें जी 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक किसी प्लेयर के नाम नहीं है, ना इंडिया ना इंटरनेशनल। और उसके 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद इसने देश का जो नया इंटरनेशनल 6 साल की उम्र में बेटी इंटरनेशनल बन गई है, जो उसने टेनिस की फील्ड के अलावा माउंट मेरू जो किलिमंजारो है वहाँ पे भी माउंटेनिंग में भी जाके देश का झंडा लहराया है। सर, अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि एमएलए साहब ने बेटी का सम्मान सम्मान बढ़ाया है कुलवंत सिंह सिद्धू ने, बाकी भी सरकार या कोई संस्था आगे आए, अभी जो एक बेटी का सम्मान होगा तो जो आने वाले लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ना है या जिन्होंने कार्य करना है देश के लिए, तो उनको भी उत्साह हो जाता है कि जो आगे कर रहे हैं लोग उनका मान सम्मान हो रहा है तो फिर दूसरे लोग भी आगे आएंगे और अपने भी नशा कम हो जाएगा, अपने भी देश को अपने भी गोल्ड मेडल मिलने लग जाएंगे। बहुत खुशी है जो मेरे ग्रह विखे सियाना चोपड़ा जो कि बहुत एक छोटी बच्ची है जिड़ी कि किलिमंजारो जो कि साउथ अमेरिका के 19,000 फुट उच्ची चोटी जी है ये सर करके जित के आई है। मैं आपके साथियों को कहना ताड़िया ना यदा छोटी जी नन्नी जान ने एडा बड़ा जोड़ा मोर्चा फतेह करके जिथे साढ़े लुधियाने शहर का मान उच्चा कर उ मावां ते बाप लई एक मैसेज दिता भी जिहड़े अपनियां धीआं नूं कुखां विच मारदे ने इस बच्ची तों सेध लै के धीआं नूं कुखां विच मारन नूं आपां हटीए तां जो जिहड़ियां साडियां धीआं इहनां नूं वी नामना खटण दा मौका देईए। आपां मैं आपदे मेरे भरा साडे बच्चे ने भी इहनां नूं वी वधाई दिंदा कि जिन्हां ने एड्डी इक काबल बच्ची नूं जन्म दित्ता जिहड़ी कि एड्डियां एड्डियां वड्डियां मल्लां मार के जिथे अपना उत्थे साडे देश दा नाम उच्चा कर रही है। मैं शुभ शामां दिंदा। उदन भी बाबा दीप सिंह दे चरणां च जिदन आशीर्वाद लैण आई सी जाण तों पहलां उदन भी इहनूं आशीर्वाद दे के भेजे, अज भी आशीर्वाद दिंदे आ कि बाबा दीप सिंह महाराज इस बच्ची नूं सदा चढ़दी कलाए। जिहड़ी किलिमंजारो नाम दी इक उच्ची चोटी है जिहदे ते इहनूं इह फतेह।